मित्रा मेरे चैनल का डिवाइन फैरो में कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी और साथ ही साथ जर्नी भी होगी। जर्नी की सबके रिजॉर्ट टाइम मोस्ट ऑफ टाइम वो जरूर जाती है। टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आपको उनका इंतजार करना चाहिए या नहीं, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग जरूर करूंगी। आप अगर इस पे ही पिकअप कार्ड रीडिंग चाहते हो इन फ्यूचर तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि दीदी इसी पे ही आप एक पिकअप कार्ड रीडिंग भी बना दो, ठीक है। और उसके अलावा यस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक ठाक की जगह फोकस ना करने पे, ठीक ठाक पे फोकस ना करने की जगह एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा जो आपके पार्टनर्स की होंगी। हर बार शक्ल की तरह जब मैं शफल करती हूँ तो आप अपने पार्टनर को इमेजिन करें, कभी भी उनकी पास की मेमोरीज़ को याद ना करें, क्योंकि पास की मेमोरीज से आप जो है पुराने बीते कल को और पेनफुल बनाकर अपनी ज़िंदगी में गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसीलिए पास को याद करके प्रेजेंट की किसी चीज़ को सोच कर इमेजिन करके या मनी मन नाम दोहरा कर उन्हें याद करें, ठीक है, ताकि एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग हो सके आपके साथ, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर जो है जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है क्या उनका इंतजार करना इनके लिए सही है। करंट सिचुएशन देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताए करंट सिचुएशन इनके पार्टनर की इनके लिए क्या है, फिर फ्यूचर देख लेते हैं उससे आइडिया लग जाएगा इंतजार करना है। करंट सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत सिक्योर रहकर चलना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है समझो कि जिसमें ये अपनी आपकी सेफ्टी पहले देखते हैं या अपने आप को सेल्फिश पहले देखते हैं। ऑब्जर्व किया कि माइक मैंने नहीं पहना है, माइक पहन लेती हूँ। सो करंट सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त उस एक जोन में है जहाँ पर ये सिक्योर रहना चाहते हैं। फूक फूक कर बोलते हैं ना कहीं कदम रखना कि भाई हर चीज़ फूक फूक कर करने, कहीं कल को प्रॉब्लम ना हो जाए और कल को मेरे घर में दिक्कत ना आ जाए, कल को मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही फूक फूक कर इस रिलेशनशिप के लिए स्टेप रख रहे हैं। इस रिलेशनशिप से पहले ये खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने बारे में पहले सोचते नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी लेज़ी पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी तरफ से अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनसे रिलेशनशिप में एक्शंस की उम्मीद कर रखी है आपने और ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे जिसके कारण आप बहुत डिस्टर्ब होने लगे हो। मतलब आपने खुद को हील किया है पर वापस आप एक अजीब लो वाली फीलिंग थोड़े टाइम से डेवलप कर रहे हो। थोड़े कुछ दिनों से ना आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक फीलिंग आएगी है जहाँ पर आपका ग्राफ वापस नीचे ड्रॉप हो रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। बट आप जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोच विचार में ले गए हो, जहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या आपको अब इसके साथ रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। आप एक डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो, आप एक प्रैक्टिकल निर्णय चाहते हो, आप बेसिकली ये चाहते हो कि जो भी हो आपको सच पता चले, कोई झूठी बातें या कोई आपको भ्रम की दुनिया में नहीं रखे, ठीक है। सो बेसिकली आप सच सुनना चाहते हैं। सो मुझे करंट सिचुएशन में ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस कर चुके हैं। करंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक एम्प्रेस यानी कि किंग या क्वीन की पोजीशन पे चले गए हैं, जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत बदला है, ट्रांसफॉर्मेशन की है अपनी ज़िंदगी में। आप इतने पहले ऐसे नहीं थे, अब आप अपने अंदर बहुत पेशेंस ला रहे हो, सब्र से काम करना सीखे हो। धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप कहीं ना कहीं अलग हो गए, यानी कि अचीवमेंट्स पे ध्यान देते हो, गोल्स पे ध्यान देते हो, अपनी ज़िंदगी की दूसरी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देते हो। अपनी ज़िंदगी में जो चेंजेस ला सकते हो लाते हो, बट कहीं ना कहीं इनसे अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो। इस पर्सन से आप मैरिज भी एक्सपेक्ट करते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदल चुके हैं, बट समटाइम्स ये जो लो फीलिंग आती है ना, वहीं आप थोड़ा सा ऐसा हो जाते हो कि आपको वापस लगता है कि आप खींच के वापस पास्ट में चले गए, जैसे आप वापस पुराने पर्सन बन गए हो, जिसके कारण आप अपने आप को बहुत सैड या अनहैप्पी फील करने लगते हो। लाइक एक अलग सी चीज़ है जो आपके मतलब आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बेसिकली अंदर से बहुत ही ऐसे हो कि किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, हैप्पीनेस नहीं है, बट बाहर से आप ऐसे हो कि फुल ऑफ लाइफ एकदम हैप्पी रहते हो, ऐसे दिखते हो कि बाप रे आपसे ज़्यादा कोई तो हैप्पी हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स बताएं मुझे करंट सिचुएशन इनके पार्टनर की क्या है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, ठीक है, ये मैं बता दूं खुलकर कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो सकता है दिखा नहीं रहे हैं बट अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यस मुझे दिखाई दे रहा है अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपके प्रति, आपको लेकर इनके अंदर क्रेविंग्स होती हैं, बट काफ़ी इट्स लाइक जैसे आइसक्रीम देखो तो कैसे पागल हो जाता है सामने वाला, मतलब बच्चे होते हैं ना, बच्चों को आइसक्रीम लॉलीपॉप टाइप का, तो उसी तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये आपको लेकर क्रेव करने लगे। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी कारणों के कारण ये पर्सन स्टेप नहीं ले रहे, और ये जो कारण है ये इनके अपने बनाए हुए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है एक्सक्यूजेस बहाने, हर बार इनके पास कोई बड़ी लिस्ट रहती है प्रॉब्लम्स की कि अरे ये हो गया इसलिए नहीं आ सकता, या ये हो गया इसलिए नहीं आ सकती, ये करना था इसलिए नहीं हुआ। मतलब हर बार इनके पास सिर्फ एक्सक्यूजेस है, या आपसे बात ना करने की एक्सक्यूजेस है, कुछ ना कुछ ऐसे दिखते हैं कि जैसे ये खुद ही ये सोचने लगते हैं कि ये बहुत मजबूर हैं, जाकर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली, ये मैं बिल्कुल काफ़ी स्ट्रांगली ये करंट सिचुएशन में तो बहुत लेजी है, बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है, ना ज़्यादा किसी से बात कर रहे हैं, ना ज़्यादा किसी को एफर्ट्स दे रहे हैं, किसी चीज़ में ये एफर्ट तो डाल ही नहीं रहे, रिलेशनशिप में भी कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, और बार बार उल्टा आप अप्रोच कर रहे हो, अपनी तरफ से आप एफर्ट करते हो, आप खुद होकर जैसे मिलने का ट्राई करते हो, खुद होकर मैसेज करते हो या बात करते हो, तो इनका रिस्पॉन्स बहुत फीका होता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि ना खुद कुछ करता है ना मुझे कुछ करने देता है वाली फीलिंग आती है। आप मतलब मुझे दिखाई दे रहे त्रस्त हो जाते हो कभी कभी, इनके जो इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है वो आपको बहुत इरिटेट कर देता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इसको काफ़ी लंबे समय से डील कर रहे हैं इस पर्सन से, आप कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाए, बट चीज़ें ये पर्सन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। आपके पर्सन से हैंडल करना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यूनिवर्स मुझे पता है फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है इनके रिलेशनशिप में, दी मून, ओके द मून का कार्ड क्लारिफाई करें। मुझे बहुत जल्द ऐसे दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है आने वाले समय में कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, कोई निर्णय लेने की तैयारी करेंगे, पर निर्णय लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई डिसीजन लेने का एटलीस्ट इनके माइंड में थॉट आ जाएगा, जहाँ पे इनको लगेगा कि यार इनको कोई फैसला करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनहैप्पी रहने लगेंगे, कहीं ना कहीं आप जिस तरह से चीज़ों से सफ़र कर रहे हो उसी तरह से ये भी थोड़े से परेशान और अपसेट होना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं मन से हताश दिख रहे हैं, और इनकी ज़िंदगी में जैसे किसी चीज़ में मज़ा नहीं, किसी चीज़ में खुशी नहीं, किसी चीज़ का एक होता ना कि गम की दुनिया में एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल पैटर्न थोड़ा सा मुझे फॉल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हज़ारों की भीड़ में भी जैसे पर्सन आपका जो है या बंदी जो है पर्सन ही जो है वो अकेली हो गई हैं, जिसके कारण ये कोई निर्णय लेने की सोचेंगे, इनको सडनली ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ करना है, मतलब ये चीज़ जो इनको अभी रियलाइज़ होनी चाहिए या ये बहुत पहले रियलाइज़ हो जाना चाहिए था, वो इनको आने वाले समय में रियलाइजेशन आने वाला है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे आपके पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर्सन से पिछले जन्म में भी कनेक्टेड थे बहुत स्ट्रांगली, और पिछले जन्म में भी आपने बहुत पापड़ बेले, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तकलीफ पहुंची है आपको पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारीफाई करें। और ये पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है बच्चे या मदर या कोई मदरली टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व है, इसलिए भी हो सकता है ये पर्सन जो है स्टेप्स नहीं लेते। ये पर्सन ज़िद्दी बहुत है, अपने हिसाब से चीज़ें करने की इनको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, एक अजीब सी चुल होती है ना जो अपने हिसाब से इंसान को चलना है, भाई मैं तो अपने हिसाब से चलूँगा, भाई पड़ी नहीं है दुनिया क्या बोलती है, आप इनको बोल बोल के मतलब बोलते ना आवाज़ें देते देते थक जाओ, ये बंदा अपनी मर्जी से ही उठ कर आता है, जब इसका मन करेगा तभी आएगा, कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर लाइक सोच विचार में ज़रूर है, आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सामने कम से कम आपके साथ में एक फ्यूचर देखना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन में आ जाएंगे जहाँ पे इनको लगने लगेगा कि मुझे इसके साथ फ्यूचर चाहिए, भाई मुझे ये क्यों मेरी ज़िंदगी में नहीं, वो वाली एक फीलिंग आ जाएगी। बट यहाँ पर इनका बिहेवियर भी ऐसा दिख रहा है जहाँ पर ये सोचेंगे मैं खुद होकर की बात करूँ, चले मेरे को खुद होकर मनाए, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको मनाओ, और आपके लिए खुद वेट करना शुरू करेंगे कि आप इनको मैसेज करो ताकि आपसे बात करें, मतलब ये जो है अपनी इच्छा होते हुए भी ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनको मनाओ। यूनिवर्स मुझे बताएं, एम्परर की एनर्जी को क्लारिफाई करें। ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस एनर्जी दिख रही है, एरीज साइन दिख रहे हैं, आपके पार्टनर एरीज साइन के भी हो सकते हैं, इनमें से कोई साइन आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। काफ़ी स्ट्रांगली मुझे वर्गो और कैप्रिकॉन भी दिख रहा है, ओके सो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, बाप रे 4-4-4 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखी है, जिसका मतलब ये है कि पर्सन जो है स्टेबिलिटी ज़रूर ऑफर करेंगे आपकी ज़िंदगी में, आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, बट ये पर्सन जो है सिक्योरली चलना चाहते हैं, मतलब बोलते हैं ना फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, इनको ऐसा चाहिए कि ना इनको हार्म हो, ना इनको तकलीफ हो, ना इनको प्रॉब्लम हो, और मतलब अच्छा भी हो जाए, इनका भला भी हो जाए। आने वाले समय में मुझे डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से एक ग्रोथ ज़रूर दिखाई दे रही है, डेफिनेटली एक डिसीजन मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है। फोर ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लारीफाई करें प्लीज़। यस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सडनली ये कोई सडन मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, अनएक्सपेक्टेडली या तो ये आपके सामने आ जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली या तो ये आपके साथ रिलेशनशिप को वापस ओके करने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सडन इनके स्टेप्स होंगे, मतलब अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स। ये पर्सन को आपको ऐसा लगे उम्मीद ही टूट जाएगी आपकी, आपको ऐसा लगेगा कि बस यार ये रिलेशनशिप इतना अजीब सा ही है यार, इसका तो कुछ होता ही नहीं, ये तो कुछ सुधरता नहीं, बोलते ना ला आप जो है इनको मनाते मनाते या इनको समझाते समझाते या इनके बदलने का वेट करते करते थकते हुए नजर आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है सडनली अनएक्सपेक्टेड एक्शंस लेंगे, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सडनली रातों रात इनको ऐसा लगने लगेगा कि ओ गॉड मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी इसको कुछ बोलना पड़ेगा, इसको कोई प्रस्ताव देना पड़ेगा, और ये एकदम
क्योंकि इमेच्योरिटी भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बचपना, मतलब इमपेशेंट हो जाएंगे सडनली, इनको ऐसा लगेगा कि जल्दी करो हाथ से सब निकल रहा है, मतलब कल तक एकदम मर मर के एकदम गाड़ी चल रही है, गाड़ी में मतलब एकदम फीते वगैरह सब होने के कारण, होने के बाद भी एकदम फ्यूल भरा होने के बाद भी, पेट्रोल भरा होने के बाद भी ये गाड़ी बहुत स्लो चला रहे हैं, जब बराबर पेट्रोल ख़त्म हुआ है तब इनको गाड़ी तेज़ चलानी है, मतलब अजीब से ही बंदे हैं आपके, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इनका। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि बंदे आपके आपसे प्यार बहुत करते हैं बट बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ईगोइस्टिक है, मैं ये कहूँगी लेज़ी हैं, आलसी हैं, इनको कोई एक्शन लेना है ना तो इनका दिमाग तारे ज़मीन पर के ईशान अवस्थी जैसा चलने लगता है, या वो बोलते हैं ना कि एकदम अलग ही अपनी दुनिया में खो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे और बताएंगे नहीं या तो खुलकर कि प्रॉब्लम क्या है, या आपके साथ बहुत ही ऐसे बिहेव करेंगे कि आप बात कर रहे हो तो सुना अनसुना कर देंगे और आपको लगेगा कि अरे इसको प्रॉब्लम क्या है, फिर सडनली अचानक से रातों रात गायब हो जाएंगे, गोस्ट वोस्ट करके ऐसे, लाइक पूछेंगे भी नहीं कि आप किधर हो, कौन से कोने में पड़े हो, मतलब ये गायब। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एकदम कार्टून, मतलब एकदम भलता आदमी पकड़ा है या एकदम भलती औरत पकड़ी है भाई, इस बंदे का पंगा ये है कि ये बहुत आलसी है बहुत, और सडनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्या मालूम इनको कोई मल्टीविटामिन खा लेंगे, रेडबुल खा पी लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे सडनली रातों रात इनको लगेगा ओ गॉड मैंने क्या कर दिया, हमको भागना पड़ेगा, मतलब और अब भाग रहे हैं तो अब दुनिया की प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है कि भाई अब पेट्रोल ख़त्म हो गया है, अब गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो दुनिया की इश्यूज तब शुरू हो रही है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। फ्यूचर आउटकम क्या है, अरे दीदी मेरे तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, अरे वही तो देख रही हूँ, फ्यूचर आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का। दी फूल, ओके द फूल का कार्ड क्लैरिफाई करें, ये फूल तो सच में है ही, आपका बंदा जो है एक नंबर का कार्टून या एक नंबर की कार्टून ही एकदम, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है आपको एकदम झंझोड़ कर रख देंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि जोर का झटका आपको धीरे से आगे भी क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर से ही लगा, ये पर्सन आपको अंदर से बोलते ना आपके पेशेंस लूज कर देंगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लगेगा कि क्या इस बंदे को मैं मारूं, मतलब किस तरीके से इसका गला दबाऊं, ये किस तरीके, मतलब आपके पास आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आप ये रीडिंग्स नहीं देखोगे उनके मन की फीलिंग्स क्या है, आप ये रीडिंग देखना शुरू कर दोगे कि इनको मारा कैसे जाए, भाई इनको मारने के लिए मुझे कौन सा हथियार यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ जो बहुत ही सही रहेगी, क्योंकि आपको इतना गुस्सा आ जाएगा, आपको लगेगा अरे यार पूरा मेरे को अंदर से बाहर तक बदल दिया, मेरी जिंदगी पूरी ऊपर से नीचे एकदम, बोलते ना वो सॉन्ग है ना, मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी, तो पूरी जमीन ही खसक गई रातों रात आपकी जिंदगी से, आप जो है चीज़ों को ठीक कर रहे हो और ये बंदा आराम आराम से हाँ हाँ, और बैठे बैठे अचानक से आ रहे हो और आपको लग रहा है कि क्या ही फेंकूँ इसको, मतलब कुछ तो फेंक के मारूँ इस गधे को, क्या इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी में आपकी न्यू स्टार्ट हो चुकी होगी, आपकी लाइफ में आपकी फ्रेश स्टार्ट हो चुकी होगी, आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा शून्य से शुरू कर चुके होंगे, अपनी ज़िंदगी में अपने करियर में अपने आप में इतने ऐसे हो चुके होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये रिलेशनशिप नहीं है भाई, इसके बारे में तो बात ही मत करो, दूर ही रखो, आपके लिए रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होगा, आपको लगेगा बस, मतलब रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं होता है भाई, इतना जहर जैसा नहीं होता है, वो सॉन्ग है ना जहर के प्यार है तेरा चुम्मा, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए जहर से कम नहीं हो जाएगा, आपको लगेगा शी यार ये भाई इरिटेट कर दिया, आप इस रिलेशनशिप से बिल्कुल कहीं ना कहीं टड़ी पार हो जाओगे, पर ये रिलेशनशिप दोबारा जन्म लेगा आपके लिए, मतलब कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि क्योंकि सास भी कभी बहुत ही में होता है ना कि कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ होती है और दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करके आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही है आपके पर्सन की तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से कोई प्लास्टिक सर्जरी करके अचानक से आ जाएंगे और आपको लगेगा हैं, वो एक आता है ना डिडिंग 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 वाला सीन आ जाएगा आप लोगों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल फ्यूचर आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का। थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें, आपको किसी की मदद लग जाएगी पता है इस रिलेशनशिप को पूरा करने में, आखिर आपको इनको बूस्ट करने के लिए या किसी तरीके का स्पीड करने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी तीसरे की मदद लग जाएगी, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ही क्लियर एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप किसी तीसरे का सामना करोगे, आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी तो भी आपके जीवन में कोई तीसरा इंसान एक और होगा जो आपकी मदद करेगा इस पर्सन को वापस अकल ठिकाने लाने की, या हो सकता है आप जो है जलाने रिझाने में वो जाएंगे सक्षम, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत लंबे, बोलते हैं ना आपका पेशेंस ये पर्सन लूज़ कर देंगे, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आपका दिमाग पूरा हट जाएगा पूरा, क्योंकि एनजाइटी ऑलरेडी आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन को लेकर आप जो है सच्चाई ढूंढते कहीं ना कहीं कभी कभी आपको ये लगने लगता है कि मैं कोई भ्रम की दुनिया में तो नहीं बैठी हूँ भाई, मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, आप जो है सच्चाई सुनना चाहते हो, बट कभी कभी आपको लगता है जब लोग सब आपके सामने बात करते हैं जैसे कोई टैरो रीडर हुआ कोई एस्ट्रोलॉजर, तो कभी कभी आपको लगता है सबसे मीठी बातें क्यों करते हैं, कोई कुछ मुझे सच क्यों नहीं बताता, तो आपको अब ऐसा लगने लगे कि अपने रिलेशनशिप को लेकर आप ऐसे हो रहे हो कि
अरे ये कुछ होना भी है कि नहीं होना, क्योंकि बंदे का तो दूर दूर तक कोई साइन ही नहीं दिख रहा है, दूर बंदा या बंदी तो ये दूर दूर तक पूछ नहीं रहे, हमें एक मैसेज नहीं करते, ये तो अपनी ज़िंदगी में मजे से लगे पड़े, प्रॉब्लम क्या है? और सडनली ये सामने आ जाएंगे और आपको लगेगा अब मैं क्या करूँ, मतलब वो एकदम शॉक वाला, और मतलब अभी आप सोच ही रहे हो और इस बंदे का आना जाना मतलब इरिटेटिंग एकदम मुझे दिखाई दे रहा है सिचुएशन। इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप बिल्ड ज़रूर होगा, बट किसी तीसरे पर्सन की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कोई तीसरा आपकी मदद करेगा, ये कोई भी हो सकता है, या आपके जीवन में आपका कोई वापस एक्स कोई फ्रेंड आ जाएगा, ये कोई फ्रेंड वगैरह के थ्रू हो जाएगा, या काफ़ी हद तक आपके जीवन में कोई न्यू एंट्री हो जाएगी, कुछ कुछ होता जैसा कुछ सीन हो जाएगा, या आपके जीवन में किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी टैरो रीडर के थ्रू होगा, ये किसी के तरफ से आप जो है अपने जीवन में वहाँ पहुँचोगे जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए इस रिलेशनशिप में। आखिर आपको किसी की मदद लेनी पड़ जाएगी जहाँ पर आप जो है किसी की मदद के थ्रू ही इस रिलेशनशिप को बदल पाएंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, और पता नहीं बड़े बड़े पापड़ बेलते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन से एकदम त्रस्त हो जाएंगे, एकदम ऐसा लगेगा वेटिंग की मतलब इतनी ज़्यादा सीमा, मतलब एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है वेट करने की, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इतना ज़्यादा कौन वेट करे, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस तो है ही नहीं, मैं हैप्पी होती नहीं हूँ, सारी चीज़ें निकलती चली जा रही है हाथ से, और मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कितना सारा समय इतना वेस्ट करती चली जा रही हूँ या करता चला जा रहा हूँ वाली दुविधा आपके लिए आएगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या इस पर्सन के लिए इनको वेट करना चाहिए, क्या उनका इंतज़ार करना चाहिए, क्या इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए इनको। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें, इंतज़ार करो, पर इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इस रिलेशनशिप के लिए आप जितना परेशान होने वाले हो कि क्या ही बताऊँ मैं। देखो यार बंदा मेरा बंगा ये है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं जो है झूठ बोलने वाली पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं बहुत खुलकर बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है तो मैं बड़े बड़े चढ़ा कर नहीं बोलूँगी कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो मुझे दिख रहा है मेरे बेसिस पे, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत उलझोगे, बहुत ज़्यादा, आप ऐसा एक समय आएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि शिट यार मैं कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में हम आखिर कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना आपको अचानक से ऐसा लगने लगेगा कि आपकी ज़िंदगी निकलती चली जा रही है और ये बंदे का या बंदी का अत्ता पत्ता ही नहीं है, और ये बंदा आएगा भी तो फिर इस तरह से कुछ चला जाएगा करके कि आपको लगेगा कि यार ये क्या था, ये क्यों आया, ये आया ही क्यों था, ये गया ही क्यों, ये मतलब क्या हुआ, आपको मतलब लगेगा कि अरे एक सेकंड में आया एक सेकंड में चला गया, हुआ क्या ये। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मेस है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, कभी ये पर्सन बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और कभी ये आपके पास जब आते हैं तो आप उलझे हुए रहते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है कि इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें नहीं करें वाली दुविधा में आ जाते हो। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बिल्ड ज़रूर होगा, मैं ये नहीं कहूँगी ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, इस रिलेशनशिप में आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बट याद रखना इस रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्र, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप आपसे बहुत नाच नचवाएगा, बहुत ज़्यादा, आप अपनी ज़िंदगी में दोबारा ही लोगे, फिर गिरेंगे, फिर ही लोगे, फिर गिरेंगे, मतलब ये बंदा जब आएगा या बंदी जब आएगी आपको पूरी तरह से एकदम बैंड बजा कर आपकी फिर से निकल जाएंगे और आपको लगे हैं। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन मुझसे ये है कि क्या दीदी ये कार्मिक रिलेशनशिप है, इतनी टॉक्सिक क्यों है इस रिलेशनशिप में, हम लोग इतना टॉक्सिक क्यों फेस कर रहे हैं, तो ये कार्मिक रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप होता तो उसका अलग आउटकम निकलता, बट इसका आउटकम जो दिख रहा है वो कार्मिक रिलेशनशिप का नहीं है, ये एक कार्मिक फेज ज़रूर है जो लंबा चल रहा है आपके साथ। अब हो सकता है कि आपकी साइन में किसी तरीके का या तो सैटर्न का इशू हुआ है, यानी कि 7:30 उठी है, या राहु दोषा कुछ बैठा है जिसके कारण आप अपने जीवन में इतने सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हो। अब मुझसे अगर पूछो तो मैं ये कहूँगी कि चैलेंजेस का सामना ज़रूर डट के करो यार, गिव अप मत करो, मतलब मैं हमेशा सभी को कहती हूँ, मेरे जितने भी पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझसे लेते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ देवी नहीं दुर्गा बनो, और भोला बाबा नहीं तांडव करना भी सीखो, मतलब एक होना चाहिए आपके अंदर वो ऑरा जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप अपने आप में सक्षम हैं, जहाँ पर आपको जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है, अपने आप से प्यार करने का हक है, हैप्पी रहने का हक है। ये रिलेशनशिप आपको ज़रूर आकर खुद मिलेगा, यानी कि आपको इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट नहीं डालने, आपको इसके लिए मेहनत नहीं करनी कि ये मिल जाए, वो प्रार्थना है, ये टोटके वो पोटके, ये सब चीज़ें नहीं करनी। अगर आप मुझे पास्ट में बहुत पहले मुझे ध्यान आता है, मुझे किसी ने बहुत सालों पहले की बात है मुझे किसी ने टोटका बता दिया था कि ये कर दो, तो मैंने सुन तो लिया, बट उसके बाद मेरा ये था कि नहीं मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर बंदा मेरी किस्मत में लिखा है तो यार वो खुद आएगा,
ये मेरी किस्मत है जो उसे खुद लाएगी, मुझे उसके लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम मैं अगर बोलूँगी कि मैनिफेस्टेशन करते करते थक गए हो, पक गए हो, ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे के पक गए हो कि इतना पॉजिटिव यार मुझसे नहीं रहा जाता, ऑल टाइम हंसना बिना वजह नहीं समझ में आता और ऐसा लगता है कि इतने सारे मैंने प्रार्थनाएं की कुछ नहीं हो रहा, तो अब उल्टा करना शुरू करो, अब ये सब चीज़ें बंद करो। सब चीज़ें बंद करके अब क्या करो, आपने हीलिंग कर ली, आपने दुनिया की चीज़ें कर ली, ठीक है हो गया, अब जितना था स्ट्रेस ले लिया, अब क्या करो, अब ऐसे में आपको वो करना है जो आपकी ज़िंदगी में आपको खुश महसूस करवाए। यानी कि अगर आपको लगता है कि अब मुझे दो पल रोना है, मैं खूब रोना चाहती हूँ, बाल्टी भर कर रो लो और उसके बाद नेक्स्ट डे वापस अपने आप को नॉर्मल करो, ठीक है, और उसके बाद फिर से अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो और ये डिसीजन अपने आप को खुद दो कि बस अब अपनी ज़िंदगी में वो बदलने का समय आया, अब अपनी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब अगर बार बार ये दोहराते रहोगे कि नहीं दीदी उससे मूव ऑन करना मुश्किल है, मैं नहीं दो, तो ये तो तुम रिपीटेडली बोल रहे हो, तो रिपीटेडली ऐसे बोलोगे तो इस तरह तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, कोई नहीं आगे बढ़ पाएगा। अगर उल्टा बोलना शुरू करो कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने मूव ऑन कर लिया है, मैंने मूव ऑन कर लिया है, मैंने मूव ऑन कर लिया है, मॉर्निंग में बार बार दोहराओ अपने आप में, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने आने वाली ग्रोथ पे फोकस करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में हर एक अच्छे क्षण पे फोकस करती हूँ, मैं अंदर से हैप्पी हूँ, मैं अंदर से खुश हूँ, मैं अंदर से सक्षम हूँ, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि मैं अपने आप में ही सक्षम हूँ। वो एक चीज़ें, वो एक थॉट प्रोसेस में चले जाओ जहाँ पे ये चीज़ें पॉजिटिविटी के लिए करो और उसके बाद देखो अपने जीवन में चीज़ें कैसे वापस प्लेस पे आती है। ये पर्सन के साथ आपको अगर मुझसे पूछना है कि इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कहूँगी मत करना। कारण ये नहीं कि रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा, ये रिलेशनशिप खुद बिल्ड होगा, इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। इतना पेशेंस आप लूज़ करोगे, आप ट्रॉमा में चले जाओगे, आप एंजाइटी से गुजरोगे, डिप्रेशन आ जाएगा, ये जो मैंने एनर्जी देखी है डिप्रेसिव कर देगा आपको। सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि उल्टा चीज़ करो, जो चीज़ें कर करके आप थक गए ना, अब क्या हो गया ना, आपने दिन रात इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि ये कब होगा, ये रिलेशनशिप कब बिल्ड होगा, कब चीज़ें ठीक होंगी। 24 घंटे वही जब सोचोगे ना तो दिमाग जो है डिप्रेसिव एनर्जी से गुजरेगा। ऐसे में जो है वो चीज़ें सोचने की बजाय आप जो है अपने आप पे सोचें कि बस अब मुझे खुश रहना है भाई, मैं अंदर से रो रो के थक गई हूँ या थक गया हूँ, अब मुझे मेरी ज़िंदगी को बदलना होगा, अब मैं अपने आप की हैप्पीनेस पे फोकस करूँ, ठीक है। ये चीज़ें जब सोचना शुरू करोगे ना ज़िंदगी में बाकी चीज़ें प्लेस पे आएगी, ठीक है, खुद ही प्लेस पे आएगी। और ये पर्सन क्या इनका इंतज़ार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ो ताकि ये खुद में खुद सुधार लाए। जब तक अटके रहोगे इस पर्सन के पीछे या पर्सन ही के पीछे, तब तक ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ और प्रॉब्लम्स बढ़ती है, हीलिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर तरीके, क्योंकि वो बोलने वाली ऊपर ऊपर वाली हीलिंग है, वो अंदर से हीलिंग हो ही नहीं रही है, अंदर से आप पूरे खोखले हो, डैमेज हो चुके हो, पर बाहर से हील कर रहे हो, तो बाहर से करना नहीं है, अंदर से हो जाओ हील, ठीक है। क्या ये पर्सन वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्या ये पर्सन कोई ऑफर लाएंगे, डेफिनेटली लाएंगे। क्या इस पर्सन से किसी तरीके की उम्मीद करना अच्छा है, नहीं, उम्मीद नहीं करनी है आपको, कभी नहीं करनी उम्मीद। क्या इस पर्सन के लिए दीदी क्या लगता है कि क्या ये कोई ऑफर प्रस्तुत करेंगे, क्या ये मुझे स्टेबिलिटी देंगे, डेफिनेटली देंगे, डेफिनेटली देख दें। क्या मुझे इनका इंतज़ार करना है, नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है ताकि जीवन में खुद सारी चीज़ें प्लेस पे आए। आप इस पैटर्न को, अपनी ज़िंदगी की हलचल को रोक रहे हो, इस हलचल को जब रोकना बंद कर दोगे ना, एक जगह पे रुक जाओगे कि नहीं मेरी ज़िंदगी में जब तक कुछ बदलेगा नहीं तब तक मैं हिलूंगी नहीं, तब तक ज़िंदगी आपके लिए वैसे वर्क नहीं करेगी जैसे करनी चाहिए, वहीं अपनी ज़िंदगी के रूटीन पे लगे रहोगे ना तो आपकी लाइफ की साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी और खुद इसको अक्ल आएगी, ये बंदा या बंदी जो भी है जिन्होंने आपके नाक में दम किया है, वो खुद ही आपके पास अप्रोच करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली उम्मीद नहीं करनी है, क्या इंतज़ार करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखो, आप लोग ये मत सोचना कि मैं मूव ऑन करने कह रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि इंतज़ार मत करो, ठीक है, क्योंकि आपका बंदा आपकी बंदी आपके पास लौटेंगे ज़रूर, लेकिन बहुत समय लगाएंगे। आपको उतना सब्र रखने के लिए पहले अपने आप को ताकतवर, ये बोलते हैं ना कि सुहागरात से पहले दूध पिला देते ना कि भाई तुम्हारे अंदर ताकत होनी चाहिए, उदाहरण बहुत ही बेकार था आप, मुझे पता है, बट इसी तरीके का कुछ है, समझ लो दूध पीने का समय है इस वक्त, सिर्फ दूध पे ध्यान देना है, ठीक है, दूध पी लो, अपने आप को हटकश एकदम अंदर से बाहर से एकदम हेल्दी बनाओ और उसके बाद देखो लाइफ में कैसे मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आप लोगों को अच्छा फील करवा देते हैं, झूठ वूट नहीं बोलूँगी, जो दिखेगा वही बताऊँगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इनके पार्टनर इनको। चीट्स जो आप लोग देखते हो ना छोटे छोटे, वो अंदर मेरे दूसरे स्टूडियो में पड़ा है और वहाँ एसी चालू नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल ये जो है ये न्यू जो अभी मेडिटेशन के बाद रेडी किए हैं वो है आप लोगों को दिखाया, ठीक है। ये भी बहुत एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट, मैंने इतनी बार आजमाया, बहुत अच्छे निकले। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
वॉन्ट टू किस यू, ये बंदा या बंदी आपको किस करना चाहते हैं, चुम्बन देना चाहते हैं। दीदी कितना गंदा था, यू आर माई वर्ल्ड बट आई नीड स्पेस फॉर सम टाइम। भाई इनको एक स्पेस चाहिए, इनको आप इनके लिए दुनिया हो पर इनको स्पेस चाहिए। भाई दिला दो कहीं प्लॉट व्लॉट, ये बंदे को इतनी स्पेस का करना क्या है, क्या करना है, बंगला खड़ा करना है, मुझे ज़रा बता देना। समझ ही नहीं आ रहा इस बंदे या बंदी का प्रॉब्लम क्या है। हम दोनों के बीच अब वैसी वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। अरे तुम गुड़ गोबर हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब तुम्हारे अंदर ही अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो कहाँ से इतने आलस, ऐसा लग रहा है सो सो के उठने वाली पर्सनैलिटी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे देख, मेरे दोस्त तुम ही देख लो ये पिक्चर, हमें देखनी ही नहीं है ये पिक्चर, ये पिक्चर देखनी ही नहीं है। जाओ इस पिक्चर को, हम लोग रिव्यू ही बेकार दे देंगे इस पिक्चर को। मजाक में बोल रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स मुझे लास्ट मैसेज दे, मेरे व्यूवर्स के लिए लास्ट मैसेज दे उनके पार्टनर की तरफ से। आई वॉन्ट यू इनसिक्योरिटीज़, ये पर्सन आपको प्राप्त करना चाहते हैं, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, इतनी इनसिक्योरिटीज़ होता, आओ मैदान पे उतरो, आओ बी अ मैन या बी अ वूमन। क्यों वूमन बनने के लिए भी नहीं बोल सकते, सिर्फ मैन बनने के लिए बोलेंगे। सो बेसिकली आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, बट इस गुड़बक के चक्कर में आपकी ज़िंदगी हो रही है लटकम पटकम। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस का हक है, आपको हैप्पी रहना सीखो, खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करो, लव को एक्सेप्ट करो, हर चीज़ों के लिए गिविंग रहो। सिर्फ ये नहीं वही आएगा तो उसी को एक्सेप्ट करूँगी, नहीं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, चलते रहो चलते रहो। आप चलते रहोगे ये नहीं दौड़ने निकल गए, उम्मीद कर रही हूँ उदाहरण समझोगे। सो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई मस्त वाला लाइक चिपकाओ। अगर आप लोगों को मुझसे टैरो रीडिंग का कोर्स सीखना है तो मैंने टैरो कोर्स लॉन्च किया है, मास्टर्स और बेसिक। तो मास्टर्स और बेसिक के लिए आप मेरी वेबसाइट पे क्लिक करें। मास्टर्स अगर आप लोगों को एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो कम से कम बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, बेसिक सीख सकते हैं। बेसिक जो है बिगनर्स के लिए काम करेगा, मास्टर्स जो है बिगनर्स इवन एक्सपर्ट्स के लिए काम करेगा। दो तरीके के लॉन्चेज है आने वाले समय में। कैंडल वैक्स रीडिंग भी लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्दी, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रही हूँ मेरे दोस्त। और फ्री रीडिंग्स चाहिए अगर आप लोगों को तो आप खुद अपनी रीडिंग कर सकते हैं कार्ड्स खुद निकालकर, मेरी वेबसाइट www.thedivinetarotonline.com पे क्लिक करके, ठीक है, जाके टाइम पास करो अपना तरफ से। अगर लगता है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो दिल से प्रार्थना करो, मन से प्रार्थना करो, अपने सवाल पूछो और उसके बाद उसमें से कार्ड्स खुद निकालो और उसके बाद रिवील द मीनिंग पे क्लिक करो और देखो आपके जवाब कैसे आते हैं, ठीक है। सो कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं दीदी मुझे लिंक नहीं मिल रही, अरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक लिखी हुई है, ठीक है, ऊपर वीडियो पे भी रिफ्लेक्ट होती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो क्लिक करके डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और बाकी जगहों पे भी अवेलेबल हो जाओ। भाई अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करती रहूँगी, कहाँ फिर किधर ढूंढते रहोगे मुझे, है ना। सो और पॉजिटिविटी और हीलिंग के लिए और अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ और मुश्किलों का सामना करने के लिए, चैलेंजेस को फेस करने के लिए अगर आप लोग ब्रेसलेट चाहते हो तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर अमित का मैंने दे दिया है, आप अमित को कॉन्टैक्ट करें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों पर रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी हीलिंग के लिए अपने ब्रेसलेट्स रेडी करवाएं और अपनी ज़िंदगी में जो है कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसके लिए डेफिनेटली उन्हें अप्रोच करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो यार, लाइफ इज शॉर्ट, उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना बंद करो। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।